कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शनिवार को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और उनका एस्कॉर्ट अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह साल 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं। अस्पताल के डायरेक्टर अशोक सेठ ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम ने शीला दीक्षित की अच्छी तरह से देखभाल की। 3:15 पर उन्हें फिर से कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और दोपहर 4 उनका निधन हो गया। शीला दीक्षित के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, हमें शीला दीक्षित के निधन के बारे में सुनकर खेद हुआ। आजीवन कांग्रेस की सदस्य और 3 दिल्ली के सीएम के रूप में रहकर उन्होंने दिल्ली का चेहरा ही बदल दिया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीला दीक्षित के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, शीला दीक्षित जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वह एक जोशीले और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थीं। उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके परिवार और समर्थकों के लिए हमारी संवेदनाएं मौजूद हैं। ओम शांति। वहीं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में बेहद भयावह खबर मिली। यह दिल्ली के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हृदय से संवेदनाएं हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में उन्हें दिल्ली में कांग्रेस की कमान सौंपकर अध्यक्ष बनाया गया था। इस बार उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गई थी। 1998 से 2013 तक मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली शीला दीक्षित इससे पहले 1984 से 89 तक वे कन्नौज में सांसद रहीं। इस दौरान वे लोकसभा की समितियों में रहने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत की प्रतिनिधि भी रही थीं। वह राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। हालांकि 2013 में आम आदमी पार्टी के उफान में शीला दीक्षित की सरकार बह गई। हालांकि माना जाता है कि शीला दीक्षित की हार में एंटी इनकम्बेंसी भी हावी रही। इसके बाद वह 2014 में केरल की राज्यपाल भी रहीं। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। शीला दीक्षित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उनका विवाह उन्नवा के IAS अधिकारी स्वर्गीय विनोद दीक्षित से हुआ था। विनोद कांग्रेस के बड़े नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय उमाशंकर दीक्षित के बेटे थे।